रिजल्ट आया, 2 बजे मैं कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठा हुआ था, बट मैं फेल हो गया। और फेल होने के बाद बच्चे बहुत रोया, बहुत रोया कि साला फेल कैसे हो गया। और आप मेरे चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल देख रहे होंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फेलियर के बाद मैंने क्या किया। सो फेल होने के बाद बच्चे, फेल होने के बाद सबसे पहले तो मैं रोया, और दिक्कत क्या थी कि मैं फेल हुआ था बट मेरे सारे दोस्त जो है एग्ज़ाम में पास हो गए थे। इसके कारण मुझे बड़ा दुख हुआ था कि यार साला सब पास हो गए और मैं अकेला फेल हो गया। सो सबसे पहले हमारे पूना में एक बहुत प्यारा मंदिर है, चतुर्सिंगी मंदिर, पहाड़ के ऊपर बना हुआ है। सो मैं वहाँ पे चला गया और वहाँ पे जाके यही सोचा कि यार चलो यार अब सुसाइड कर लेते, क्योंकि ज़िंदगी में तो कभी फेल हुए नहीं थे बच्चों। तो अपने CS कोर्स, अपना जो CS कोर्स है, ये आपको आपकी औकात याद दिला देता है, बता देता है कि भाई आप कितने भी 30 मार्क खाएं, आप अगर मेहनत नहीं करेंगे या आपने दिल से परिश्रम नहीं किया या फिर जितना भी परिश्रम किया है बट मेरे स्टैंडर्ड के हिसाब से काम नहीं किया, तो आपका आपको कोई नहीं बचा सकता, आप फेल होंगे। सो फेल होने के बाद बच्चों मैंने एनालिसिस किया कि मैं किन किन वजहों से फेल हुआ। तो मैंने एक चीज़ देखी कि मैं पढ़ाई रात को करता था, नेचर के अगेंस्ट जाके रात भर पढ़ता था और दिन भर सोता था, तो एक वो गलती लगी मुझे। एक गलती लगी कि मैं काफ़ी केयरलेस था एग्जामिनेशन हॉल में। मैं इनफैक्ट पेन भी मैंने लोगों से उधार मांगे हैं। एक तो रीज़न ये भी था पेन ना लेके जाने का कि भाई लड़कियों से बात करने का मौका मिल जाएगा, ये भी एक रीज़न था। तीसरा, मैंने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को थोड़ा सा कम ध्यान दिया, मतलब मैं थोड़ा कमज़ोर तो था ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में बट मैंने ध्यान भी कम दिया था, और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में मैंने थियोरी कम पढ़ी थी तो मुझे उसका भी एक खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन आप लोगों को तो खैर सुपान सर जैसे महान इंसान पढ़ाते हैं आपको, और आपको काफ़ी सारी प्रैक्टिस भी होती है, तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आपके काफ़ी स्ट्रांग होने चाहिए और डेफिनेटली आप कोशिश कीजिएगा करने की। देन और कौन सा रीज़न था फेल होने का, कहीं ना कहीं डिसिप्लिन नहीं था, पंक्चुअलिटी नहीं थी, प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत थी, चीज़ों को टाल देना कि ठीक है कल पढ़ेंगे परसों देख लेंगे। सो ये सारी चीज़ें थी, और एक प्रॉपर रूटीन नहीं था ज़िंदगी में, एक प्रॉपर टाइम टेबल की कमी थी। सो ये सारे रीजंस के चलते मैं फेल हुआ और मैं सुसाइड करने के लिए पहुंच गया चतुर्सिंगी मंदिर। तो और वहाँ पे मैंने मंदिर में जब सुसाइड करने का जब प्लान चल रहा था तो ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी। अचानक से मेरे पापा का फ़ोन आ गया, और जनरली मैं उस दिन फ़ोन उठाने के मूड में नहीं था बट मैंने उठा लिया। चलो यार वैसे ही अपनी फट रही थी क्योंकि बहुत हाइट थी, और नीचे कुछ प्रेमी युगल बैठ के नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे थे, पप्पी खेल रहे होंगे। मैंने बोला साला गिरूंगा तो वो अलग डिस्टर्ब होंगे, और मरा नहीं तो साला लूला लंगड़ा बन के घूमते रहूँगा तो क्या करूँगा। सो नेक्स्ट डे मैं आया, और 15-20 दिन तो बच्चों मैं पढ़ाई कर ही नहीं पाया, मुझे 15-20 दिन तो ऊपर आने में लग गया। और मेरी दोनों ग्रुप की क्लासेस तो पहले ही ख़त्म हुई थी क्योंकि मैंने 2 ग्रुप की क्लासेस की थी बट एग्ज़ाम एक ग्रुप का दिया था। सो फिर उसके बाद 15-20 दिन मैं मम्मी से बात की, पापा से बात की, दोस्तों से बात की, और जितने लोग पास हो गए थे बच्चों उस दिन तो मेरे को कोई पूछ ही नहीं रहा था क्योंकि वो अपनी खुशी में थे। लेकिन फिर 10-15 दिन का टाइम, हालांकि मैंने बहुत लंबा ब्रेक लिया, बट मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि अगर आप फेल हुए हैं तो 2 से 3 दिन का आप ब्रेक ले सकते हैं, 1 दिन का आप ब्रेक ले सकते हैं, और ईगो मत लाइए कि अगर मेरा 130 आया है एक ग्रुप में और दूसरे ग्रुप की क्लास 30% खत्म हुई है तो मैं पूरा दोनों ग्रुप दूंगा। नहीं बच्चों, आप डिसाइड कीजिए कि आपको करना क्या, आपकी प्रायोरिटी क्या है। मैंने कल आपको क्लियर फार्मूला बताया था कि भाई 165 के ऊपर स्कोर है और ग्रुप 2 या नेक्स्ट ग्रुप की जो क्लास है वो 70% खत्म होगी, तो ये आप दोनों ग्रुप जाइए। ईगो में आकर कोई फैसला मत लीजिए, और सबसे पहले एक पेपर लीजिए और उस पर बनाइए, उस पर लिखिए कि आपकी क्या क्या खामियाँ रह गई, क्या क्या चीज़ें हुई कि मैंने मेहनत बहुत की, लेकिन मेहनत बहुत की पर क्या आप एग्ज़ाम हॉल में एकदम कॉन्फिडेंट थे, एग्ज़ाम हॉल में कुछ तो गड़बड़ नहीं की आपने। सो हर एक चीज़ का ना एक प्रॉपर जायज़ा लीजिए, हर एक चीज़ को प्रॉपर फिक्स कीजिए, और उसके बाद डिसाइड कीजिए कि करना क्या। खामियां निकालिए, एक पेपर पे खामियां लिखिए, उसको अपने स्टडी टेबल पे लगाइए, और अगली बार से बच्चों मैं बता रहा हूँ ना, प्रोक्रेस्टिनेशन, नेचर के अगेंस्ट जाके पढ़ाई करना, ये कुछ हैं चीज़ें जिनको आप फिक्स कर सकते हैं, और पूरी शिद्दत के साथ पूरी हिम्मत के साथ वापस आइए बच्चों पढ़ने के लिए। और बच्चों अगर मान लीजिए मैं उस दिन CS छोड़ देता आवेश में आकर, या फिर मान लीजिए मैं CS नहीं करता, या फिर मैं उस दिन कूद जाता, तो बच्चों मैं आपके सामने आज यहाँ पर बैठा नहीं होता, मैं इतने प्यारे प्यारे बच्चों का प्यार मिस कर देता। तो बच्चों उठ जाइए, छोड़ के भागने वालों में से अपन नहीं है बच्चों, अपन शिवाजी के वंशज हैं बच्चों, जो हमेशा लड़ते हैं, हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं बच्चों। सो हमें लड़ना है, हम भगत सिंह के वंशज हैं बच्चों, हमें लड़ना है, हमारे रक्त में, हमारी शिराओं में बच्चों शौर्य है, शौर्य से कम कुछ भी नहीं है। तो हम हारने वाले नहीं है बच्चों, हमें जीतना है, और बच्चों जो जीतते हैं वो कैसे जीत जाते हैं
वो कभी क्विट नहीं करते बच्चों, वो हमेशा लड़ते रहते लड़ते रहते लड़ते रहते हैं बच्चों। थैंक यू सो मच, आई होप ये वीडियो आपका आपके लिए यूजफुल रहा हो, और हम बच्चों हमेशा आपके साथ बैठे हुए, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।